નું આગમન થઈ ચુક્યું છે ત્યારે હવામાન વિભાગ તરફથી હવામાનને લઈને આગાહી બારિશ મિલને કા સંભાવના હે ઇવન નોર્થ ગુજરાત કો ભી કુછ કુછ ડિસ્ટ્રિક્ટ કો મિલેગા જૈસે આરાવલી સાબરકાંઠા મહીસાગર और साउथ गुजरात में बलसाड नवसारी दमन दादरा नगर हवेली सूरत ये सारे जगह में बारिश मिलने का संभावना है। डे टू डे थ्री में थोड़ा सा बारिश बढ़ेगा गुजरात रीजन में, स्कैटर्ड रेन होने का संभावना है और काफी सारे डिस्ट्रिक्ट को छुटपुट रेन मिल सकता है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी है। और डे फोर डे फाइव की फिर बारिश और कम हो जाएगी, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में बारिश ज्यादा होने का संभावना नहीं है, लेकिन आइसोलेटेड रेन मिलेगा। कोस्टल स्टेशन इवन कच्छ को भी थोड़ा बहुत बारिश मिलने का संभावना है। अगले 5 दिन के लिए हमने थंडरस्टॉर्म वार्निंग भी दिया है और फिशरमैन वार्निंग डे वन डे टू सी रफ रहेगा, रफ टू वेरी रफ रहेगा, फिशरमैन वार्निंग भी दिया गया है और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा। मैडम ये जो बारिश मिलेगा वो कौन से सिस्टम की वजह से बारिश मिलेगा? अभी एक सर्कुलेशन है हमारा वेस्ट राजस्थान करीब वेस्ट राजस्थान का ऊपर, उसका एक्सटेंशन थोड़ा सा रहेगा अरबियन सी तक और उसके कारण में गुजरात रीजन को बारिश मिलेगा, लाइट टू मॉडरेट रेन मिलेगा, लेकिन स्कैटर्ड प्लेसेस में। ऐसे नहीं है कि हमको हेवी रेनफॉल मिलने का कोई आशंका नहीं है, कोई मतलब चांस नहीं है। मैडम देखा जाए तो बारिश कम हुई है, डेफिसिट भी ज्यादा है, तो रेगुलर बारिश कब से स्टार्ट हुई, कोई सिस्टम? जनरली जैसे हमारा अहमदाबाद देखा जाए तो बारिश मोस्टली जुलाई, गुजरात को अच्छी खासी बारिश जुलाई अगस्त में मिलता है और अभी जून है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो उसके लिए कुछ परेशानी नहीं होना है। बारिश जून जुलाई को ज्यादा मिलता है अहमदाबाद में, जुलाई अगस्त को ज्यादा बारिश मिलता है, जून में मोस्टली बहुत कम बारिश मिलता है गुजरात को। अरबी समुद्र में कोई सिस्टम डेवलप हो रहा है मैडम? अभी फिलहाल अरबी समुद्र में हमारे लिए जो हमको बारिश देने वाला सिस्टम आज सच कुछ है नहीं। તો રાજ્યમાં વરસાદને લઈ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે, આગામી 3 દિવસ સામાન્યથી ભારે વરસાદ રાજ્યમાં વરસી શકે છે।